हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई लेवल कंप्यूटिंग। मेरा नाम नटराज है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पॉन्ट ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम पैराग्राफ ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आपको हमारे टीचिंग वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमें खत के जरिए भी अपना ओपिनियन बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस वहाँ पर लिख देता हूँ, आप मुझे खत लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स लेने होंगे। दोस्तों, पैराग्राफ्स लेने के लिए मुझे इस ड्राइंग ग्रुप में जाना होगा और यहाँ पर ये जो शेप्स है इनमें से एक ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। मुझे इसको क्लिक करके यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करना होगा। देखिए, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए जगह सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे रैंडम वर्ड्स लिख देता हूँ। दोस्तों, रैंडम वर्ड्स लिखना आप लोग तो जानते ही हैं। हमें क्या करना होगा, पहले हमें इक्वल्स का साइन डालना होगा, बाद में रैंड टाइप करना होगा हमें, फिर ब्रैकेट ओपन करके हमें जितने पैरा चाहिए यहाँ पर पहले टाइप करना होगा। फिलहाल मैं अभी 3 पैरास ले लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ। बाद में मुझे एक कॉमा डालना होगा। कॉमा डालने के बाद यहाँ पर हर एक पैराग्राफ्स के अंदर मुझे कितने लाइंस चाहिए यहाँ पर टाइप करना होगा। फिलहाल मैं अभी 5 लाइंस ले लेता हूँ, सो इसलिए मैं यहाँ पे 5 टाइप करता हूँ और अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हमारे पैराग्राफ्स आ चुके हैं। तो अब हम दोस्तों इस पैराग्राफ्स के ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहले ऑप्शन पर चलते हैं। ये है अलाइन लेफ्ट का ऑप्शन, मतलब ये हमारे पैराग्राफ्स को लेफ्ट में अलाइन कर देगा। दोस्तों चलिए एक बार मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है एक ठीक लाइन में है, मतलब ये सब अभी लेफ्ट वाले मार्जिन को अलाइन होके यहाँ पर स्ट्रेट आ चुके हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ स्ट्रेट नहीं है, मतलब यहाँ पर ये जो पैराग्राफ राइट मार्जिन को अलाइन नहीं हुई है। दोस्तों, अगर ऐसे में हम अगर एक नया लाइन यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करने के बाद हमारा जो नया लाइन आएगा वो लेफ्ट साइड से आएगा। देखिए दोस्तों, मैं टाइप करके दिखाता हूँ। सो इस तरह से हमारा लाइन लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, मतलब ये भी लेफ्ट अलाइनमेंट में है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और फिर से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा जो अलाइनमेंट का ऑप्शन है ये सेंटर अलाइनमेंट का ऑप्शन, मतलब अगर हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जो पैराग्राफ्स हैं वो ना कि लेफ्ट मार्जिन पे अलाइन होंगे ना कि राइट मार्जिन पे अलाइन होंगे, ये बीच में रह जाएंगे। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हमारे जो पैराग्राफ्स हैं वो लेफ्ट मार्जिन को भी अलाइन नहीं हुए हैं, ऐसे ही राइट मार्जिन पे भी अलाइन नहीं हुए हैं। इसे हम कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। अगर हम यहाँ पे नया लाइन लेना चाहते हैं तो हमें एंटर प्रेस करने के बाद सभी लाइंस बीच में स्टार्ट होंगे। इस तरह से हमारे लेटर्स बीच में से निकल के आ जाएंगे। चले मैं इसको भी हटा देता हूँ और दोस्तों मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ इस पैराग्राफ को। और दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ये राइट अलाइनमेंट का ऑप्शन है, मतलब ये हमारे पेजेस को राइट साइड मार्जिन पे अलाइन कर देता है। चले मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हमारे पैराग्राफ्स जो है ये राइट मार्जिन को अलाइन हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन में ये अलाइन नहीं हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर हम राइट मार्जिन में रख के नया लाइन लेना चाहते हैं तो हमें एंटर प्रेस करने के बाद हमारे लाइन जो है वो राइट साइड से स्टार्ट होंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे लाइंस राइट साइड से निकलेंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर अलाइनमेंट में ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये है जस्टिफाई का ऑप्शन, मतलब अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पैराग्राफ्स जो हैं लेफ्ट मार्जिन को भी अलाइन होंगे एज वेल एज राइट मार्जिन पे भी अलाइन होंगे। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है लेफ्ट मार्जिन को भी अलाइन हो चुका है, वैसे ही राइट मार्जिन पे भी अलाइन हो चुका है। हालांकि ये कुछ जगहों पर थोड़ा स्पेस ज़्यादा ले सकता है, पर ये पैराग्राफ्स को दोनों मार्जिन पे अलाइन कर देता है। दोस्तों, न्यूज़पेपर वाले इस तरह के अलाइनमेंट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरह से हम किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाई अलाइनमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं अभी लेफ्ट अलाइनमेंट में रख देता हूँ। दोस्तों, आप लोग एक ही बार में सभी पैराग्राफ को भी सेलेक्ट करके इन अलाइनमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। यह है ऐड और रिमूव कॉलम्स का ऑप्शन, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें कॉलम्स बनाने के लिए यूज आता है। चलिए मैं इन पैराग्राफ्स में कॉलम बना के आपको दिखाता हूँ।
मैं इस ऑप्शन के मोर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं। एक है वन कॉलम, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट पहले से ही है, और दूसरा है टू कॉलम्स का ऑप्शन। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी दो कॉलम्स बन चुके हैं। अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये एक कॉलम है और यहाँ पर ये दूसरा वाला कॉलम है। इस तरह से हमारे डॉक्यूमेंट अभी दो कॉलम में डिवाइड हो चुका है। अब चलिए फिर से उसी ऑप्शन पर चलते हैं और हम यहाँ पर थ्री कॉलम्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी तीन कॉलम्स बन चुके हैं। देखिए इस तरह से हम हमारे डॉक्यूमेंट में कॉलम्स अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम वन कॉलम में रख देते हैं। ये था दोस्तों ये ऐड और रिमूव कॉलम ऑप्शन का यूज। अब चलिए दोस्तों थोड़ा ऊपर वाला सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग पहला कमांड जो देख रहे हैं ये बुलेट्स का कमांड। हम हमारे डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट तरह के बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मान लीजिए मैं इन तीन पैराग्राफ्स को ही बुलेट लगाना चाहता हूँ तो भी मैं इस कमांड को यूज करके बुलेट्स लगा सकता हूँ। चलिए मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये तीनों पैराग्राफ में अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके यहाँ पर जो बुलेट का ऑप्शन है इसके मोर बटन पर क्लिक कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर कई सारे बुलेट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं इनमें से कौन सा भी एक बुलेट को सेलेक्ट करके मेरे डॉक्यूमेंट को लगा सकता हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं एक बुलेट आपको लगा के दिखाता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे पैराग्राफ्स को अभी बुलेट्स मिल चुके हैं, मतलब ये एक तरह का लिस्टिंग अभी बन चुका है। दोस्तों हम चाहे तो इस बुलेट को चेंज भी कर सकते हैं, या फिर इनके साइज को भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं, या फिर इन्हें कलर्स भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों वो कैसे करते हैं थोड़ा देख लेते हैं। मैं फिर से इन पैराग्राफ्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर बुलेट्स का जो मोर बटन है इसके ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है बुलेट्स एंड नंबरिंग, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, क्लिक करते ही हमें यहाँ पर एक नया विंडो मिल चुका है। यहाँ पर आप लोग बुलेटेड लिस्ट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं और नंबर्ड लिस्ट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए मैं बुलेटेड लिस्ट को कस्टमाइज करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं साइज अभी 100% है, मतलब ये बुलेट का साइज है, और कलर यहाँ पर अभी ब्लैक है। चलिए मैं कलर को भी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर रेड कर लेता हूँ। और दोस्तों मैं यहाँ पर ये जो 100% साइज है इसका, ये थोड़ा बढ़ा के 200 कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हमारे बुलेट्स के साइज बढ़ चुके हैं और इनका कलर भी रेड हो चुका है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये जो बुलेट के बदले में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब बुलेट्स के जगह पर आप लोग पिक्चर्स लगा सकते हैं। चलिए वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसी ऑप्शन पे जाता हूँ, मतलब ये बुलेट्स के ऑप्शन के मोर बटन के ऊपर जाता हूँ और फिर से मैं बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस विंडो पर यहाँ पे पिक्चर का भी एक ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही हम यहाँ पर फोटोज सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे फोटोज यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर ये वाला पिक्चर क्लिक कर देता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हमारे बुलेट्स के जगह में इमेजेस आ चुके हैं। इस तरह से हम बुलेट्स के बदले में पिक्चर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं, ये है नंबरिंग का ऑप्शन। हम हमारे पैराग्राफ्स को या फिर लिस्ट को बुलेट्स के बदले में नंबरिंग भी दे सकते हैं। चलिए मैं फिर से इन्हीं पैराग्राफ्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर नंबरिंग के ऑप्शन पर मोर बटन है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कौन सा भी एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर 1, 2, 3 भी लगा सकता हूँ, उसको विथ ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ, रोमन फिगर्स भी लगा सकता हूँ, या फिर अल्फाबेट्स भी लगा सकता हूँ। इस तरह से एक ऑर्डर्ड लिस्ट ये बन जाएगा। चलिए मैं भी नंबर्स लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये भी नंबर्स बड़े साइज में आ चुके हैं, क्योंकि हमने बुलेटेड लिस्ट में जाके ऑप्शन में इसका साइज 200% दिया था। अब चलिए दोस्तों, अब हम उसको इस नंबरिंग ऑप्शन में चेंज कर देते हैं। हमें फिर से यहाँ पर सेम ऑप्शन मिल जाएगा, बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन। हमें इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसका जो परसेंटेज है उसको हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 100% डाल देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब इनका साइज छोटा हो चुका है। दोस्तों हम बुलेट में भी जाके कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर नंबरिंग ऑप्शन में भी जाके इन बुलेट्स या नंबरिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, इन नंबरिंग ऑप्शंस को मैं हटा देता हूँ। मुझे क्या करना होगा दोस्तों, मुझे इस नंबरिंग के मोर बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर नन का जो ये ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। देखिए दोस्तों, क्लिक करते ही अब हमारे नंबरिंग्स जा चुके हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। ये है डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। चलिए दोस्तों, वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर ये बीच वाला पैराग्राफ पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ।
सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगर मैं इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन पर क्लिक करता जाता हूं तो देखिए दोस्तों ये वाला मार्जिन जो है यहां से हमारा पैराग्राफ थोड़ा दूर हटते जाएगा, मतलब यहां पर ये जो स्पेस है इसे हम इंडेंट कहते हैं और ये जो ऑप्शन है ये इंडेंट को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, मतलब ये इंडेंट को बढ़ाता है। और इसके बगल में यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है, मतलब ये इंडेंट को कम करता है। ठीक है, अब हमारा इंडेंट जीरो हो चुका है, इसलिए हम अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। हम फिर से इसको इंक्रीज करके बाद में डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से हम इंक्रीज इंडेंट या फिर डिक्रीज इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, ये है लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, मतलब हमारे जो लाइन्स हैं उसके बीच में हम डिस्टेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे भी मैंने अभी बीच वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करके रखा है। अब मैं जाता हूँ इस लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पर और इसके मोर बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों कई सारे ऑप्शन हमें दिख जाएंगे, 1.0, 1.5 इस तरह के। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 1.5 के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों हमारे लाइन्स अभी कुछ दूर दूर हो चुके हैं। फिर से हम जाते हैं और 2 के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों अब हमारे लाइन्स और भी दूर हो चुके हैं। इस तरह से हम इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। चले हम 1.0 रख लेते हैं। अब चले दोस्तों इन ऑप्शंस को करके देखते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन, मतलब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट टू राइट है, हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसके मोर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये अभी हॉरिजॉन्टल में है, मैं चाहूँ तो इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। देखिए मैं 90 डिग्री के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों इसका डायरेक्शन अभी चेंज हो चुका है। फिर से मैं उसी ऑप्शन पे जाता हूँ और 270 के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए इसका डायरेक्शन अभी चेंज हो चुका है। और यहाँ पर लास्ट वाला ये जो ऑप्शन है ये स्टैक्ड का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों अब आपको दोस्तों इस तरह से पढ़ना होगा, द क्विक ब्राउन इस तरह से आपको पढ़ना होगा। चलिए दोस्तों फिर से हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्लिक कर देते हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ये है अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई में हमारा डॉक्यूमेंट जैसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अलाइन होते हैं, वैसे ही हम वर्टिकल डायरेक्शन में इस ऑप्शन को यूज़ करके अलाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अलाइन टेक्स्ट के मोर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, टॉप, मिडल और बॉटम। देखिए दोस्तों आप लोग गौर करके देखिए, अब मैं टॉप में हूँ और मैं मिडल पे आता हूँ तो हमारे पैराग्राफ थोड़े नीचे खिसक सकते हैं, देखिए, और मैं बॉटम आता हूँ तो और भी थोड़ा नीचे आ जाते हैं। इस तरह से हमारे पैराग्राफ्स टॉप, बॉटम और मिडल पे अलाइन हो जाते हैं। मतलब दोस्तों ये ऑप्शन सिर्फ ये जो स्क्वायर है सिर्फ इसी को रिलेटेड है, इसी में ये टॉप, मिडल और बॉटम को जाता है, पूरे स्लाइड को रिलेटेड नहीं है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, एक कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है। दोस्तों हम हमारे पैराग्राफ्स को कई तरह के स्मार्ट आर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसके मोर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको कई सारे स्मार्ट आर्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों स्मार्ट आर्ट्स का मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा या फिर हमारे आइडियाज को एक ग्राफ के जरिए दूसरों को समझाना। चलिए मैं किसी एक स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए हमारे पैराग्राफ्स जो थे वो अभी एक स्मार्ट आर्ट में आ चुके हैं। चलिए मैं अंडू प्रेस कर देता हूँ और मैं दूसरा एक स्मार्ट आर्ट ले लेता हूँ। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से हमारे पैराग्राफ्स किसी भी स्मार्ट आर्ट में फिट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम हमारे पैराग्राफ्स को स्मार्ट आर्ट्स लगा सकते हैं या फिर हमारे पैराग्राफ्स को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस पैराग्राफ्स ग्रुप समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल फ्री है और उसके बाजू में जो बेल का आइकॉन है उस पर भी क्लिक करना ना भूले। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमें खत लिखना मत भूलिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।